स्वागत है आपका बुक ऑडियो में। आप सुन रहे हैं सोनू चौहान द्वारा रचित कहानी औरत का दर्द मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। शायद ये पढ़कर आपको बहुत अजीब लग रहा होगा कि कहानी औरत का दर्द लिखने का प्रयोजन क्या है। मैं औरत के शारीरिक दर्द की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मानसिक दर्द जो वो झेलती है। कभी कभी तो वो दर्द किसी को बता भी नहीं पाती, और अगर वो बताती भी है तो वो दर्द कोई पुरुष कतई समझ नहीं पाता, चाहे वो उसका पति हो, पिता हो, भाई हो या कोई और पुरुष। क्योंकि वो उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, अतः वो गौर भी नहीं करता। मगर एक औरत ही वो दर्द महसूस कर सकती है। ऐसे ही एक दर्द की कहानी है भोली की। भोली कौन? भोली, अरे वही हमारे शहर की कमला की बेटी। कमला हमारे घरों में काम करने वाली बाई थी। उसका पति भी मेहनत मजदूरी करता था। कमला सेठों के घर में घरेलू काम करती थी और उसका पति उनकी दुकान पर काम करता था। कमला बहुत ही साफ सुथरी, सुघड़ और सयानी थी। इसके साथ साथ वो बहुत ही ईमानदार भी थी। सारी सेठानियों के परिवार उससे बहुत खुश थे। उनका गुजर बसर अच्छा चल रहा था। बस उनके यहाँ एक ही कमी थी, कमला के कोई बच्चा नहीं था। उसके पहले 4-5 बच्चे भी हुए पर कोई बच नहीं पाया। फिर भी वो बहुत पूजा पाठ करती थी और भगवान शिव भोलेनाथ की बहुत भक्त थी। काफी बच्चों के मर जाने के बाद उसके यहाँ एक लड़की हुई, जिसका नाम उसने रखा भोली, क्योंकि वो भोलेनाथ के प्रसाद के रूप में उसे मिली थी। खैर, सब खुश थे। भोली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। कमला ने उसे स्कूल में दाखिला करा दिया, पर भोली स्कूल से सीधी माँ के पास आ जाती और जहाँ माँ काम कर रही होती वहीं हाथ बटाती। धीरे धीरे वो माँ की तरह घर के कामों में बहुत सुघड़ हो गई। सेठानियों के यहाँ से उसे अच्छे कपड़े भी मिल जाते थे। सेठानियाँ कहती, अरे कमला, तेरी भोली तो बहुत ही सुंदर निकलती जा रही है। कमला हंस देती, पर मन में सोचती, घर जाकर इसकी नजर उतारूंगी। भोली इतनी सयानी थी कि माँ के साथ काम करवा कर अपने साथ वाले घर में रहने वाली दर्जन चाची के पास चली जाती। वो लोगों के कपड़े सीती थी। भोली ने चाची से वो सब भी सीख लिया। अब भोली 10वीं में आ गई थी। जब वो सेठानियों का दिया हुआ सुंदर कपड़ा पहनकर कानों में बड़े बड़े बाले डालकर बाहर जाती तो सब उसको देखने लगते। उसके बाल बहुत लंबे थे। कभी कभी वो बाल धोती तो आस पड़ोस वाली औरतें भी कमला को मजाक करती कि कौन सा तेल इसके सिर में लगाती हो। खैर, जब भोली ने 10वीं पास कर ली तो उसके बाप ने कमला से कहा, अब हमें भोली की शादी कर देनी चाहिए। हमारी जाति में लड़कियों की शादी बहुत छोटी उम्र में कर दी जाती है। भोली तो फिर भी बड़ी हो गई है। कमला राजी हो गई। बस फिर तो लड़का ढूंढने का काम शुरू हो गया। कई रिश्ते आए और उनमें से एक रिश्ता दिल्ली से आया था। उन्होंने कहा, लड़के की दुकान है, अकेला लड़का है, 2 ननंद है जो कुंवारी हैं, अपना मकान है। कमला के पति को ये रिश्ता बहुत पसंद आया। हालांकि कमला अपनी बेटी को इतनी दूर दिल्ली बिहाना नहीं चाहती थी। दूसरा वो कोई जान पहचान का घर चाहती थी, जिनको वो जानती हो और बेखटके अपनी बेटी को मिलने वहां आ जा सके। वो दुकानों के सेठ जहाँ कमला का पति काम करता था ने उसे बहुत समझाया कि नजदीक ही कहीं अच्छा लड़का देखकर शादी कर दे, पर कमला का पति नहीं माना। वो शायद उनसे काफी प्रभावित हो गया था। खैर, भोली की शादी हो गई। सेठों सेठानियों ने जी भर कर दिया और भोली की शादी बहुत बढ़िया तरीके से हो गई। भोली को बहुत दहेज दिया गया, जिससे उसे किसी चीज की कमी महसूस ना हो। शादी करके कमला का पति तो जैसे गंगा नहा आया, पर कमला के मन में बेटी की याद सताती रही। पता नहीं कैसी होगी, क्या करती होगी। उस समय मोबाइल का जमाना नहीं था। कमला पढ़ी लिखी थी नहीं। कभी किसी सेठानी से पत्र लिखवा कर भेजती पर कोई जवाब नहीं आता। उसका मन चिंता में ही रहता था। एक दिन वो अपने पति से बोली, हमारी बेटी की शादी को 6 महीने हो गए हैं, अब तीज का त्योहार है, चलो हम दोनों दिल्ली चलते हैं, बेटी को त्योहार भी दे आएंगे और बेटी को मिल भी आएंगे। उसका पति भी मान गया। उन दोनों के आने की वहां बेटी को खबर नहीं दी। सोचा बेटी अचानक माँ बाप को देखकर खुश हो जाएगी।
त्योहार का सारा सामान खरीद व रेलगाड़ी में बैठ गए और पूछते पूछते बेटी के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया और दरवाजा भोली ने ही खोला। दोनों मियां बीवी उसकी हालत देख कर तंग रह गए। भोली के लंबे लंबे बाल काट दिए गए थे, उसने एक सोती चूल्हा नुमा मैक्सी पहन रखी थी, पांव में टूटी चप्पल थी। दोनों का रंग सफेद हो गया, इतना कुछ देने के बाद भी ये हालत। भोली माँ के गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। खैर, माँ बाप अंदर आए। भोली ने कहा, माँ ये लोग ऐसे हैं, सवेरे मेरी ननंद सास ससुर और घरवाले चाय के साथ दो दो बिस्कुट खाकर निकल जाते हैं और मेरी सास सारी जगह ताला लगा देती है, यहाँ तक कि चीनी चाय की पत्ती को भी। माँ मैं तुम्हें चाय नहीं पिला सकती, जब वो आएंगे और कुछ खाएंगे उसमें से थोड़ा बहुत मुझे मिल जाता है। और तुम्हारा पति? माँ ने पूछा। वो भी उन जैसा ही है, मुझे मारता पीटता है, कहता है तो मेरे लायक नहीं है। माँ बाप दोनों चुप कर गए। जब उसके सास ससुर वगैरह वापस आए, समझो का स्वागत करना तो दूर, वो उन्हें ही उल्हाने देने लगे कि तुम्हारी बेटी तो ऐसी है वैसी है, वो इस घर और शहर के लायक ही नहीं। खूब जो मुंह में आया कहा। कमला ने हाथ जोड़ा और कहा, इस समय हम अपनी बेटी को साथ ले जा रहे हैं, ये कुछ देर हमारे पास रहेगी, जब ये आपके तौर तरीके से रहने लायक हो जाएगी हम आपके पास भेज देंगे। ससुराल वालों को भला क्या आपत्ति थी। खैर, भोली को जो देखे वही हैरान। एक महीना बीत गया, दो महीने बीत गए, ना ससुराल से कोई लेने आया ना कोई खत आया। एक दिन भोली का बाप बोला, उनका संदेशा तो नहीं आया, हम भोली को उसके ससुराल छोड़ाते हैं। कमला काफी देर सोचती रही, फिर बोली, आप रहने दो, इसको मैं ही छोड़ाऊंगी। भोली का बाप राजी हो। कमला और भोली दोनों रेलगाड़ी में बैठ गई। कमला बार बार भोली का मुंह देखती तो उसे ऐसा लगता कि निरी गाय को कसाई खाने पे छोड़ने जा रही हो। भोली बिल्कुल चुप थी और आंखें नीची करके बैठी थी। जब दिल्ली आने में आधा घंटा रह गया तो कमला ने भोली के सिर पर हाथ रखा और बोला, बेटा दिल्ली आने में अब आधा घंटा रह गया है, मैंने तेरे बारे में कुछ सोचा है, मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरे शरीर का टुकड़ा है, तेरा बाप कभी ऐसे नहीं सोचेगा। तेरे सामने दो रास्ते हैं, पहला कि मैं तुझे ससुराल छोड़ दूं और जैसा भी वो रखे या तुझे मारे जला या यातनाएं दे सब तुझे सहना होगा, अगर पति भी ठीक होता तो शायद कुछ ठीक होता, पर ऐसा नहीं है, ये एक रास्ता है। दूसरा ये कि मैं सेठ बनवारी लाल जिनकी मिल शहर से बाहर है और फैक्ट्री में ही उन्होंने कोठी बना रखी है, उनकी सेठानी से बात की है, उनकी माँ बूढ़ी है बीमार है, उनको कोई सेवा के लिए एक लड़की चाहिए, वो तुझे तनख्वाह भी देंगे और रोटी कपड़ा भी देंगे, शहर के बाहर उनके यहाँ लोग कम आते जाते हैं। दूसरा माताजी के पास और भी कम लोग आते हैं, जब कोई आता दिखे तो घूंघट काट लेना, वहां मैं सेठानी जी से कह दूंगी कि इसको पुरानी साड़ियां दे दे वो पहन लेना। मैंने उन्हें कुछ नहीं बताया है, ना ही मैंने उन सेठ सेठानियों को बताया है जिनके यहाँ मैं काम करती हूँ, क्योंकि ये बात फैल जाती है। ये मैं तुम्हारे बाप को भी नहीं बताऊंगी, क्योंकि औरत का दर्द औरत ही समझ सकती है, मर्द नहीं, चाहे वो बाप ही क्यों ना हो। वहां के सारे हालात देखकर भी तेरा बाप तुझे उस नर्क में झोंकने चला गया, क्योंकि वो दर्द महसूस नहीं कर सकता, उसकी बेटी को मार भी दे तो भी वो उतना महसूस नहीं करेगा जितना मैं। खैर बेटी, तुझे दोनों रास्तों में से एक चुनना है, ये तेरी मर्जी है, 3-4 साल निकाल ले फिर कुछ और सोचूंगी। भोली ने एकदम कहा, माँ मुझे ससुराल नहीं जाना, वो लोग पूरे कसाई हैं, वो मुझे मार डालेंगे, मैं सेठानी के घर नौकरी कर लूंगी, एक दो बार उन्होंने मारने की कोशिश भी की है पर मैं बच गई। तो फिर ठीक है, वापस चलते हैं, कमला ने कहा। स्टेशन पर उतर कर कमला भोली को लेकर सीधा सेठ बनवारी लाल की कोठी पे गई। उसको ये बताया कि ये लड़की आपके यहाँ माताजी की सेवा करेगी, आप 2-4 पुरानी साड़ियां इसे दे दीजिए। उसको समझा कर कमला घर वापस आ। पति ने पूछा, छोड़ आई? कमला ने सिर हिलाकर जवाब दिया। ज्यादा उसने पूछा नहीं, ज्यादा कुछ उसने बताया नहीं। कमला के पति को तो यही पता था कि वो ससुराल में है। कमला कभी कभी बेटी से मिलने चोरी चोरी चली जाती। सेठानी भोली के काम से बहुत खुश थी। एक दिन कमला ने अपनी बेटी को बताया कि जहाँ वो लोग रहते हैं वहाँ एक एक कमरे का खोली नुमा मकान है, उनमें से एक मकान बिक रहा है,
अगर भोली के सेठानी कुछ रुपए देते तो वो भोली के लिए वो कोठी खरीद लेगी और सेठानी उसकी तनख्वाह में से काटती रही। कुछ पैसे वो अपनी सेठानियों से भी उधार ले आई और भोली को एक कोठी खरीद दी। वो कोठी उसकी दो कोठी छोड़ कर ही थी। कमला ने सोचा कि जब सेठानी से नौकरी छूट जाएगी तो उसकी बेटी के पास एक कोठी तो होगी, उसमें रहकर वो अपना कोई काम कर लेगी। हालांकि कमला का पति बहुत सीधा और शरीफ आदमी था, सेठ लोग उस पर अत्यधिक विश्वास करते थे। वो कभी गाली गलौज तो दूर ऊंचा भी नहीं बोलता, बहुत ईमानदार था। वो कारिंदों में एक उदाहरण था। खैर, इस बात को 2 साल बीत गए। एक दिन कमला काम से जल्दी घर आई। उसने सोचा बेटी वाली कोठी बंद पड़ी है, उसको भी झाड़ू कर देगी। अभी वो सफाई कर ही रही थी कि अचानक कमला का पति भी आ गया। उसने कमला को किसी और के कोठी की सफाई करते हुए देखा तो आग बबूला हो गया। उसने ये सुना था कि ये कोठी बिक गई है, पर किसने खरीदी है उसको नहीं पता। किसी ने उसके कान में ये बात डाल दी कि कमला का ही इस कोठी के खरीद बेच में बड़ा हाथ है, तो वो एकदम चिल्लाया, ये किसकी कोठी बुहार रही हो? तूने इसे किसको दिलवाया है? क्या कोई तेरा दोस्त मित्र है जो तूने अपने नजदीक इसको कोठी दिलवाई है? तो छिनाल है, तेरा चरित्र इतना गिर गया कि अपने यारों की कोठी बुहार रही है। बहुत कुछ कहता रहा, फिर बोला, निकल जा मेरे घर से, उनके पास जा जिनको कोठियां दिलवाती है। उसका इतना कहना था कि कमला ने अपने मुंह से घूंघट उतारकर दूर फेंक दिया और बोली, अरे सुन, तेरी हिम्मत ये कैसे हुई कि तू मुझ पर इतना घिनौना इल्जाम लगा रहा है? तेरी जुबान क्यों ना जल गई इतने गंदे शब्द मेरे बारे में बोलते हुए? 35 साल हो गए हैं मुझे तेरे साथ रहते हुए, जहां माँ बाप ने बांध दिया हम तो उसी खूंटी से बन गए और सच्चे मन से उस रिश्ते को निभाया। सारी उम्र घरों में काम करके मैंने अपनी गृहस्थी की गाड़ी चलाने में मदद की, तेरे बच्चे पैदा किए, वो भगवान की मर्जी कि बचे या नहीं बचे। जो बच गया उसको तूने कौन सा स्वर्ग की सीढ़ी झुला दिया? तूने उसकी शादी करके अपना भार उतार दिया। जब तूने अपनी आंखों से उस बच्चे का हाल वहां देख लिया, फिर भी तूने कुछ और नहीं सोचा। तूने फिर भी उस फूल सी बच्ची को कसाईयों के हाथों थमा दिया। 1.5 से 2 साल हो गए, तूने कभी उस बच्ची की खबर ली? क्या तूने सोचा कि 1.5-2 साल से ना वो हमारे घर आई है, ना हम उसे देखने गए, ना कोई चिट्ठी पत्री आई है? तू तो सर का बोझ उतार कर निश्चिंत हो गया, पर वो मेरी बेटी थी। मैंने इस शरीर से उसे पैदा किया, वो मेरे शरीर का टुकड़ा थी। ना तूने कभी दामाद को चिट्ठी लिखकर पूछा कि मेरी बेटी कैसी है? यही सिर्फ बची थी हमारे बच्चों में से। अरे, तेरे पास औरत का दिल कहाँ? तुम मर्दों की तो यही फितरत है। सारी जिंदगी तिनका तिनका करके मैं घर बनाती रही और तूने कह दिया कि इस घर से निकल जा। क्या ये घर केवल तेरा ही है? क्या इस घर में कोई हिस्सा मेरा नहीं? तूने क्या ये पता किया कि ये कोठी किसने खरीदी? तूने मेरा यार कहकर इल्जाम लगा दिया। अरे, बोलने से पहले सोच तो लेता, पता तो कर लेता। तूने मुझसे पूछा कि किसकी कोठी साफ कर रही है, मैं तुझे सच बता देती। सच तो एक दिन बताना ही था। इतने में सारे पड़ोसी इकट्ठा हो गए। जिस कमला के घर वाले को किसी ने ऊंचा बोलते नहीं सुना, वो ऐसे कह रहा है। और आज तक लोगों ने मियां बीवी की बहस नहीं सुनी थी, वो आज खुले में लड़ाई लड़ रहे थे। उनमें से एक भाग कर गया और दुकान से सेठ जी को बुला लाया। सेठ जी ने आकर पूछा, क्या बात है? अरे, तुम दोनों का तो हम उदाहरण दिया करते थे, आज आप लोग ही, बताइए क्या बात है? पैसे धेले की है तो हम मदद करेंगे। कमला बोली, नहीं सेठ जी, पैसे घेले की कोई बात नहीं। आज मैं आपको सच बताती हूँ, ये कोठी मैंने अपनी बेटी भोली के लिए खरीदी है। भोली? मगर वो तो ससुराल में दिल्ली में है। नहीं सेठ जी, ये कहकर कमला ने सारी कहानी सुना दी। कमला बोली, आप इससे पूछिए, एक बार भी इसने सोचा कि इसकी बेटी का क्या हुआ? ये तो भेज कर निश्चिंत हो गया, भार उतर गया। मैं तो माँ हूं ना, और एक औरत भी। औरत औरत का दर्द समझती है। बाप चूंकि एक मर्द है, उसने नहीं समझा, मगर मैंने समझा। अगर मैं इसको सारी बात बता देती तो ये उसी वक्त बेटी को छोड़ आता, मगर मैं उसका दर्द महसूस कर रही थी, सो मैंने ऐसा किया। ये कोठी उसी के लिए खरीदी थी ताकि जब वो नौकरी ना करे तो यहाँ रह सके। अब बताइए, क्या मैंने कोई पाप किया जो उसने इतना बड़ा इल्जाम मेरे पे लगा दिया? मुझे तो ये भी पता चला कि दामाद ने दूसरी शादी कर ली है, उनके लिए तो अच्छा था ये चली गई, नहीं तो उसे भी मार डालते, कहकर कमला जोर जोर से रोने लगी।
सारे लोग चुप खड़े थे, जैसे कोई सांप सुन गया। कमला का पति भी चुपचाप आंखें नीची करके खड़ा था। सेठ जी बोले, भोले की माँ, तूने जो किया बिल्कुल ठीक किया। गलती भोले की बाप की है। तुम सच कहती हो कि मर्द औरत का दर्द नहीं समझ सकता। तो ये थी सोनू चौहान द्वारा रचित कहानी औरत का दर्द, जिसे आप सुन रहे थे मेरे यानी सुमन रावत की आवाज में। जल्द हाजिर होंगी लेकर कुछ ऐसे ही किस्से कहानियां।